सलाबतपुरा पुलिस द्वारा थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए मेगा ब्लड कैंप का आयोजन। पुलिस द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में किया जा रहा ब्लड कैंप। सूरत पुलिस अपराधियों को पकड़कर उन्हें जेल की सलाखों में भेजने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखकर अपनी ड्यूटी अदा करने के साथ साथ अलग अलग सामाजिक और मानव सेवा के कार्य भी कर रही है। इसी दिशा में पुलिस द्वारा अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों में थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए ब्लड कैंप के आयोजन किए जा रहे हैं। इस बार सलाबतपुरा पुलिस ने फास्टा और साकेत ग्रुप के सहयोग से मेगा ब्लड कैंप का आयोजन किया, जिसमें सलाबतपुरा पास थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सहित आला पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी एवं अन्य समाज सेवी और मानव सेवा के कार्यों से जुड़े महान अनुभव उपस्थित थे। पुलिस ने भी बढ़ चढ़ कर ब्लड बैंक में हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया। इस तरह पुलिस द्वारा समय समय पर अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों में ब्लड बैंक के आयोजन किए जा रहे हैं और आगामी दिनों में भी ये प्रयास जारी रहेगा। जी सर, आज रोज सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन ना प्रांगण में एक ब्लड डोनेशन कैंप नो आयोजन करवामां आव्युं छे। आ ब्लड डोनेशन कैम्प ना प्रेरणा स्त्रोत अमरा HM साहेब अने CP साहेब छे। आ ब्लड जे डोनेट थवानुं छे ते थेलेसेमियाग्रस्त बाळको કે જેઓને સમયાંતરે બ્લડની જરૂર પડતી હોય છે તેઓને સમયસર બ્લડ મળી રહે અને તેઓ સ્વસ્થ જીવન જીવી શકે એ માટેનો અમારો એક પ્રયાસ છે। આ જે સમગ્ર કાર્યક્રમ છે એ કાર્યક્રમ ફોસ્ટા સાકેત આ બંને ગ્રુપના સહયોગથી આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે। આજના બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ જે છઠ્ઠો છે આ સિટીમાં, તેમાં સૌ પ્રથમ અમારા HM સાહેબે બ્લડ ડોનેટ કરી અને આ મહાયજ્ઞની શરૂઆત કરી હતી। આજના બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં આ વિસ્તારના સામાજિક આગેવાનો, વિવિધ ધર્મના લોકો, વિવિધ જ્ઞાતિના લોકો, એની સાથે સાથે પોલીસના જવાનો અને મીડિયા મિત્રોએ પણ બ્લડ ડોનેટ કરી અને આ પ્રકારના બાળકોને મદદરૂપ થઈ શકે તેવો એક પ્રયાસ કરેલ છે। હાલમાં કોઈ સ્પષ્ટ ટાર્ગેટ નથી, પરંતુ મહત્તમ બોટલો મળી જાય અને બાળકોને કોઈ તકલીફ ન પડે અને સમયાંતરે બ્લડ એમને મળી રહે એ માટેનો એક પ્રયાસ છે। ખબરો મેં અબ તક કે લિયે બસ ઇતના હી મિલતે હૈ તરહસે હી બડી ખબર કે સાથ તબ તક કે લિયે નમસ્કાર ઓર દેખતે રહીએ ન્યૂઝ જાગૃત ભારત।